ओके सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। सो अभी मैं फ़िलहाल लिफ्ट में था एंड लुक एट द आउटफिट। सो कि ये है एक ब्लैक टी शर्ट है एंड नीचे मैंने ब्लैक जीन्स पहनी एंड शूज़ भी पहने गए नीचे जाके। सो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं हवा महल एंड बाकी जितने भी मोन्यूमेंट्स देखने के लिए जयपुर में। सो या आज पूरा जयपुर घूम डालेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा लंबा व्लॉग होने वाला है। सो एंड तक रहना। ओके सो गाइस, सब रेडी हो चुके हैं। मेरे को तो आपने देख लिया एंड ये रही जिया जो कि रेडी हो चुकी है एंड पापा ये रहे एंड मम्मी ये रही। ओके तो सभी के सभी रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एल्बर्ट म्यूजियम। हवा महल जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं? एल्बर्ट म्यूजियम। ओके एल्बर्ट म्यूजियम जा रहे हैं। सो जल्दी चलते। Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you and it's twisted. कि सामने देख रहे हो वो इस तरफ है म्यूजियम जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। टी शुभ्रा सर्कल टाइप में है एंड ये रहा म्यूजियम। ओके सो फिलहाल हम लोग म्यूजियम पहुँच चुके हैं, जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हो ये रहा म्यूजियम। ओके सो फिलहाल हम लोग म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं। जिया यहाँ पे एंड मम्मी पापा वहाँ पे पार्किंग लगा रहे हैं। सो या हम दोनों यहीं पे अभी अंदर चलते हैं एंड फिर उसके बाद आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है। बाहर से देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ये। इस प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अभी हम लोग म्यूजियम नहीं आ रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं बाकी चीज़ें घूमने ई रिक्शा में, बिकॉज पार्किंग में कार लगा दी तो कार सेफ है। 2 घंटे के 50 रुपये, सो 4-5 घंटे तक खड़ी रहेगी यहीं पे एंड बाकी सारा एरिया घूमेंगे फिर हम लोग म्यूजियम में विजिट करेंगे। सवाई माधव सिंह चौक। ओके सो गाइस, आगे से यहाँ से पूरी पिंक सिटी चालू हो जाती है। यहाँ पे हर बिल्डिंग का कलर पिंक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। हर शॉप का, हर बिल्डिंग का, हर घर का कलर पिंक है। ओके सो गाइस, जो नॉर्मल घर होते हैं वो सीमेंट और ब्रिक से बने होते हैं। ये सारी की सारी बिल्डिंग चूना और मिट्टी से बन रखी है। अच्छा इधर से ऊपर जाना है। ओके सो आगे जो ये टावर देख रहे हो इसके ऊपर जाना हम लोगों को एंड यहाँ से पूरा जयपुर दिखता है एकदम टॉप से। सो हम लोगों को एकदम टॉप पे आना है एंड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको स्टॉप करके पढ़ना है वीडियो वो पढ़ सकता है। सो गाइस अभी ऊपर चलते हैं। ओके सो गाइस, अभी हम लोग थोड़ा ऊपर आ चुके हैं एंड यहाँ से पापा अंदर एंट्री करवा रहे हैं तभी हम लोगों को ऊपर जाने को मिलेगा इस टावर के। ओके सो गाइस, यहाँ से हम लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा एंड सीढ़ियाँ भी कुछ अलग ही लेवल हो रही हैं। तो यहाँ से पकड़ पकड़ के आराम आराम से जा रहे हैं एंड बहुत ऊपर तक चढ़ना है। गोल गोल सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ रहा है। पेरेंट्स एंड बाकी सब आ रहे हैं। ओके सो जिया आ गई है। सो अभी और ऊपर चलते हैं। आ रहा है हाँ, इस प्रॉपर वेंटिलेशन है हवा का। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि हवा कम है। ओके सो यहाँ से देखने के लिए है, पता नहीं बोलती क्यों नहीं है कैमरा के सामने। रुक जाते हैं यहाँ पे। ओके सो गाइस, फाइनली आ गए ट्रैक्टर के ऊपर। आ जा सकती हो एंड मम्मी पापा का पता नहीं, सबसे पहले मैं आया फिर जी आई, बट जितना चढ़ा है ना वर्थ इट है, बिकॉज व्यू देखो यार एक बार। भाई उनको आदत हो गई, वहाँ पे वो महल ही बन रखा है। हटना जिया, वहाँ पे वो पैलेस ही बन रखा है वहाँ पे। मेरे को नाम भूल गया इसका, बट भाई तू ऊपर चढ़ के आया ना और मज़ा आया। मम्मी नहीं आ पाई अभी तक एंड वो सामने व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है वो भी। ब्रो हवा इतनी तेज चल रही है ना, आवाज़ भी नहीं आ रही होगी शायद मेरी आपको, बट यार पूरा वर्थ इट था। एसी किसी पंखे की जरूरत ही नहीं है, इतना ऊपर आ गए हम लोग। इतनी अच्छी हवा चल रही है। विंडलास्ट हो रहा होगा अभी तो फिलहाल, माइक में पता नहीं आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी आपको, बट यार जितना हम लोगों ने क्लाइम किया ऊपर पूरा वर्थ इट था। सो गाइस एक बार देखो ये कितना बड़ा है, इसके ऊपर हम लोगों को चढ़ना भी था, उतरना था। चढ़ने में 10 मिनट, उतरने में 10 मिनट, टोटल 20 मिनट लगे हैं। हम दोनों सबसे पहले आए हैं, मम्मी पापा को तो बहुत टाइम हो गया, अभी तक आए नहीं है। मैं पहले आ जाती पर ये सेट कि मुझे पहले जाना दो, तो आए सिर्फ ओके। सो अभी टावर्स बाहर आ गए एंड लेट हो रहे तो पापा कह रहे चलो चलो। एंड भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया इधर जाके। आप भी कभी आओगे जयपुर तो ज़रूर यहाँ पे विजिट करना। सो अभी चलते हैं एंड आगे देखते हैं। ओके सो गाइस अभी उस टावर से निकल आए हैं जो कि मेरे को पता चला 400 साल पुराना है। एंड अभी हम लोग आए हैं जंतर मंतर के अंदर जो कि विजिट करने वाले हम लोग। एंड अभी यहीं पे हम लोग अंदर जा रहे हैं, पापा टिकट बुक कर रहे हैं। सो गाइस अभी आगे चलते हैं एंड देखते हैं कि आगे क्या है। सो अभी हम लोग फर्स्ट चीज़ पे पहुँचते हैं एंड ये जिसको पढ़ना है वो स्टॉप करके रीड कर लेना। सिमेट्रिकल तो बहुत ज़्यादा है। के लिए आए ना, इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। लोकल लैंग्वेज में नाम है जंतर मंतर। जंतर का मीन्स होता है इंस्ट्रूमेंट, मंतर का मीन्स होता है कैलकुलेशन। वो नंबर कितना है 11। ये जो बड़ा स्केल है ना ये 15 मिनट का है। 15 नाइट में आप यहाँ से इस डायरेक्शन में देखते हैं ना, सामने आपको नॉर्थ पोल स्टार नज़र आएगा। नॉर्थ पोल स्टार यानी ध्रुव तारा हमेशा फिक्स रहता है, उत्तर में कभी जगह चेंज नहीं करता। तो कंपास है कि डायरेक्शन नॉर्थ हो गई तो साउथ हो गया, ईस्ट हो गया तो वेस्ट हो गया, डायरेक्शन के लिए बनाया गया। लेकिन ये सिर्फ 6 महीने ही काम करता है समर टाइम में, जब सन नॉर्थ में रहता है। विंटर टाइम में इसके पीछे वाला पार्ट काम करता है। इनको बनाने से पहले इनके मॉडल बनाए। पहला मॉडल ये बना छोटा इंस्ट्रूमेंट येलो कलर में, और दूसरा मॉडल वो देखो आप गेट में से बड़ा आयरन को लगा डायल दिखाई दे रहा है। हाँ जी, जहाँ छाया गिर रही है ना वहाँ पे मिथुन लिखा हुआ, मिथुन यानी जेमिनाई। तो सूर्य अभी कौन सी राशि में चल रहा है? मिथुन राशि में चल रहा है। जब छाया इसके गेप में आ जाएगी फिर वो उधर वाला काम करेगा। दोनों एक ही घंटे काम करते हैं। लेकिन राष्ट्र क्लॉक टावर ये सिटी पैलेस है, महाराजा का महल। पहाड़ी पे जो किला दिखाई दे रहा है वो नाहरगढ़ किला है। हाँ जी, आमेर किला इधर से नज़र नहीं आएगा, वो इस डायरेक्शन में है जिसमें फ्लैग है। ये महल है महाराजा का, जिसको सिटी पैलेस बोलते हैं, है ना। और ये उसका मॉडल है, पहले मॉडल बनाया हुआ छोटा वाला। ओके सो यहाँ पे अलग अलग तरह की राशि बनाई गई है, जैसे पीछे स्कॉर्पियो है, मीन है, अलग अलग लियो है। डिग्री मालूम करते हैं, दीवार की छाया ना डिग्री बताती है। देखो 270, उधर 240, करीब 265 डिग्री पे अभी सूर्य चल रहा है जयपुर में 360 डिग्री में से। तो वहाँ से बृहस्पति कहाँ है, शनि कहाँ है, मंगल कहाँ है, दूसरे ग्रहों की स्थिति मालूम करके कुंडली के जो 12 घर होते हैं उनमें उन ग्रहों को रखते हैं। इसकी जो छाया है ना 4 मिनट में चेंज हो जाती है, इसलिए जन्म समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जन्म स्थान के साथ में। उसके लिए सारे 12 राशि के 12 घर बने, ठीक है। देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना इसको अपन कहते हैं चक्रीय यंत्र। और ये इंस्ट्रूमेंट क्या बताता है? अपने दिन बड़े होते हैं, दिन छोटे, उसका कंप्लीट पार्ट है। देखो प्लेट की छाया दिख रही है आपको, बीच में जा रही, वो रही है ना, देखिए ना वो। हाँ कहाँ पे? मिथुन सिंह वाली पे, मिथुन देखो। हाँ ये यहाँ पे मिथुन रंगोली की छाया पे देखो। लेकिन ये क्या उसका कंप्लीट पार्ट है, जो अपन ने राशि वाला देखा था ना 2 हिस्से में, उसको एक साथ बनाया। गाइस जैसे एंगल लिए गए हैं ना इसमें, बहुत डिटेल लिए गए हैं। हर एक लाइन एकदम परफेक्ट जा रही है जहाँ पे जा रही है। नंबर 60 है, ये 65 है, 66 डिग्री। तो सूर्य अभी जयपुर पे कितना डिग्री पे? 66 डिग्री पे। गाइस ये जितना भी एरिया देख रहे हो एंड जितना एरिया हम लोगों ने अंदर घूमा है, ये जितने उस समय के राजा होते थे उन्हीं की मतलब पूरा अंडर आता था, पूरी संपत्ति उनकी थी। बट अब ये सारी की सारी जितनी भी है, अच्छा इसमें सारे राजा वगैरह रखते थे, अभी भी खड़े हैं। अच्छा ओके सो गाइस अभी हम लोग आए वैक्स म्यूजियम के अंदर एंड जा रहे हैं वैक्स म्यूजियम के अंदर। ओके सो वैक्स म्यूजियम के अंदर आ गए। अभी हम लोगों को और ऊपर चढ़ना है, इसमें मैं और जिया ही जा रहे हैं बिकॉज मम्मी पापा का आने का मन नहीं था। सो लेट्स गो। ओके सर गाइस वैक्स म्यूजियम के अंदर आ चुका हूँ एंड ये हमारे पास सबसे पहले गांधी जी का स्टैचू। भाई देखो कितना रियलिस्टिक बना रखा है कि स्किन टेक्सचर, बियर्ड, हेयर्स, मेरा पूरा स्टैचू रियल लग रहा है। एंड इवन हाथ की डिटेलिंग देखो आप, माइकल जैक्सन का स्टैचू है। आज गांधी भाई फेस में बहुत अच्छी डिटेलिंग की है यार इसके, एंड उंगलियों के शाइनिंग टेक्सचर्स में भी एंड ऑल। एंड अंदर यहाँ पे ब्रूस ली का स्टैचू, इसकी डिटेलिंग बहुत बढ़िया की गई है। और भाई हाथ की डिटेलिंग, कपड़ों का टेक्सचर्स, शूज़, भाई हाइट सेम, सब कुछ, सब एकदम रियल लग रहा है यार। मतलब लग ही नहीं रहा है कोई फेक मतलब वैक्स स्टैचू है। एंड यहाँ पे मिस्टर बीन का किया गया है। ब्रो भाई इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है। एंड ये इज इवन कोट का टेक्सचर एंड हैंड की जो डिटेलिंग्स दी गई हैं। एंड यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का स्टैचू है। भाई इसमें मेन टीथ्स कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं, जो टीथ के पास का टेक्सचर है। एंड हेयर्स इवन, ब्रो लग ही नहीं रहा है ये स्टैचू, मतलब ऐसा लग रहा है कोई बंदा खड़ा हुआ है जैसा। इसमें ब्रो गन का टेक्सचर तो एकदम ही रियल लग रहा है। एंड लुइस फिलिप्स है एंड ये इंग्लिश लियो है। भाई हाइट्स और मेजरमेंट्स एक जैसे ही हैं। एंड ये साउथ के एक्टर है। ब्रो बहुत रियल लग रहा है ये। जैकी चैन का स्टैचू है यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा रियल लग रहा है यार। इसका पोज, टच करना अलाउड नहीं है, टच करना अलाउड नहीं, टच ना करना। सलमान बॉयज का स्टैचू है यहाँ पे, बहुत रियल बनाया है ये वाला। हैंड के टेक्सचर देखो एक बार। एंड नेक्स्ट चलते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का स्टैचू है, जो कि कितना रियल, भाई ऐसा लग रहा है भाई बंदा खड़ा हुआ है कोई यहाँ पे। भाई तो ब्रो इसको रियल लग रहा है, भाई मैं कह रहा हूँ ना पूरा रियल लग रहा है ये। एंड ये मॉन्क का स्टैचू बनाया है, दलाई लामा का स्टैचू है। एंड भाई इसके टेक्सचर्स कितने बढ़िया दिए हैं। ओके सर, कैटरीना कैफ का स्टैचू है, बट दीदी बता रही हैं कि ये ज़्यादा अच्छे से बन के नहीं आया है ये, बिकॉज नोज में थोड़ा बहुत तो लग रहा है। एंड इनको आप सब जानते ही होंगे, फास्ट एंड फ्यूरियस में एक्टर थे। एंड इनकी रिसेंटली डेथ भी हो गई थी। सो या इनका भी स्टैचू बना रखा है यहाँ पे। वन का, ये पार्ट वन का है ना? हो गया सो, अच्छा फर्स्ट पार्ट का है ये। ब्रो ये भी कितना रियलिस्टिक लग रहा है। ओके सो या गाइस, वहाँ से निकल के जा रहे हैं अभी सेकेंड फ्लोर पर। ये है कि हम लोगों को पूरा घूम के रास्ता ढूंढ के जाना है। अभी मेरे को पता नहीं, मेरे को समझ में आ रहा है भाई, बस टकरा ना जाऊँ कहीं पे। वो ये रास्ता है यहाँ पे आ जा मेरे साथ आ। ओके भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, देख के चलना। देखते वहाँ पर सामने टूटा हुआ है, इधर यहाँ पे भी रास्ता है, यहाँ पे से चलते हैं। इधर आओ मेरे साथ चलता हूँ, इधर से जाना है। हाँ इधर आओ, ब्लॉक्ड हो गया भाई, अभी उधर चलना पड़ेगा। डर क्यों रही है गाइस, ये डरने में लग रखी, मेरे साथ आना वरना घूम जाओगी अकेले। ओके डर तो मेरे को भी लग रहा है। मुझे वापस लेके चलो। रो मत निकल जाएगा भाई, रास्ता मिल जाएगा। यहाँ से तो क्या आए अभी, यहाँ से आओ। और रो क्यों रही है, अब तू रास्ता दिख गया बाहर का। ये है ना वो सामने, मेरे को कहाँ से है? अच्छा वहीं से वापस आना है, अच्छा एग्जिट लेकर उधर से जाना है भाई, अभी और जाना पड़ेगा। फिलहाल एग्जिट तो ढूंढ लिया है, अभी इसकी 2-3 पिक्चर्स क्लिक करते हैं एंड देन चलते हैं बाहर। सभी ऊपर चलते हैं बिकॉज भाई नीचे तो सारा घूम लिया। भाई एक हॉरर प्लेस भी थी, वहाँ पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं खुद इतना डर गया था। और अभी चलते हैं आगे। अभी आप लोगों ने वैक्स म्यूजियम देखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था भाई। इसमें 2-3 जगह तो ऐसी थी जिधर जिया डरी गई, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, मैं भी डर रखा था। और मैं रोना शुरू हो गई थी। सो अभी आइसक्रीम एंजॉय करते हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। सो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, जहाँ पे हर टाइम गवर्नमेंट की तरफ से सेल लगती है। ओके सो यहाँ पे सारा कपड़े का है। कर आए हैं। यहाँ पे सारा सूट्स एंड सबका है, रजाइया कंबल का। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट्स की तरफ से सेल लगती है, गवर्नमेंट मार्केट है। एंड अंदर भी ऐसी समथिंग है ज्वेलरीज एंड मॉल का। एंड बाहर आके देखिए यहाँ पे सारा राजस्थानी स्टाइल में है। ओके सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं कल्लू चाचा। सो यहाँ पे सारा का सारा लेदर का काम होता है एंड पूरा प्योर लेदर का काम होता है। सो अभी अंदर चलते हैं एंड आपको दिखाता हूँ कैसा है ये। सो जयपुर का जो मार्केट है ना, वो बार्गेनिंग मार्केट है। अगर आप यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो आप एक्सपेंसिव चीज़ें ले लेंगे, ज़्यादा प्राइस के ले लेंगे जितनी वर्थ नहीं करती हैं। सो या बार्गेनिंग कर लेना जब भी आप जयपुर के मार्केट में आप ढूंढ रहे हो या कुछ आपको लेना है। ओके सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं हवा महल के बाहर, जिसका असली नाम मुकुट महल है। भैया ने अभी हमको बताया। भाई कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, बट इसकी असली खूबसूरती बाहर से देखने में पता चलती है। ओके सो जो पूरा हवा महल है, ये अंदर हम लोग नहीं जिसके विजिट कर रहे हैं, बिकॉज अंदर इसके इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, पर बाहर से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। सो यहाँ अंदर इसके विजिट नहीं करेंगे। सो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, बट तब तक थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के इंजॉय करते हैं। Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of me.